सो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम में बोल रखा है कि अपन को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, तो ट्राई करो फिर देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम में बोल रखा है इंटीग्रेशन 0 to 4 इसका lnx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x माइनस x² dx। सो ट्राई करता है फिर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 4t। सो यहाँ पर dx अपने पास हो जाएगा 4 टाइम्स dt। तो जो अपनी लिमिट है वो यहाँ पर 0 to 1 हो जाएगी। एंड ये हो जाएगा, x की जगह मैंने 4t पुट कर दिया, नीचे यहाँ पे मेरे पास ये 16t माइनस 16t² हो जाएगा। एंड dx की जगह ये 4dt हो गया। सो इस तरीके से अपन ने कर लिया। अब अपन को यहाँ पर ln की प्रॉपर्टी भी पता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 to 1 ln of 4 plus ln of t। इस तरीके से मैंने लिखा, और नीचे से यहाँ पर ये 16 को बाहर निकालेंगे तो ये 4 आएगा। एंड यहाँ पर ये मेरे पास t into 1 minus t बन जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे 4 dt हो गया ये। तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा। एंड t यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 0 to 1 के बीच में वैरी कर रहा है। सो इस चीज को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 to 1 ln of 4 plus ln of t, और यहाँ पर इसको रूट ऑफ टी एंड मल्टीप्लाई में रूट ऑफ 1 minus t लिख सकते हैं, क्योंकि टी अपना 0 to 1 वेरी कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब यहाँ पर अपने पास दो इंटीग्रल हो गए, एक तो 0 to 1 ln of 4 डिवाइड में रूट ऑफ टी, एंड ये 1 minus root t का भी स्क्वायर रूट है, प्लस यहाँ पर 0 to 1 ln of t डिवाइड में रूट ऑफ टी एंड रूट ऑफ 1 minus t dt। ठीक है। इसको इवेल्युएट करने के लिए अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। टी यहाँ पर 0 to 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो तुम्हें पता है कि साइन एंड कोसाइन भी होता है जो -1 to 1 के बीच में वेरी कर रहा है, करता है। तो उस हिसाब से अपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो टी है अपना 0 to 1 के बीच में वेरी कर रहा है, और साइन भी 0 to 1 के बीच में वेरी कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सब्स्टिट्यूट करने में। तो टी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अगर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर ये ln 4 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी अपनी 0 to π/2, एंड dt अपना यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि t अपन ने साइन स्क्वायर थीटा पुट किया था, तो d अपना यहाँ पर 2 sin θ cos θ d θ हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं dt की जगह यहाँ पर 2 sin θ cos θ d θ पुट कर देता हूँ। एंड नीचे एक जगह रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 0 to π/2 में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा रह जाएगा, और एक यहाँ पर तुम देखोगे तो 1 minus sin² θ cos² θ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। सो बेसिकली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड ये अपना ln of 4 multiply में 2 तो बाहर ले लेंगे, एंड ये π/2। सो अपना यहाँ पर π ln 4 ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा। और अब अपन सेकेंड इंटीग्रल पे बात करेंगे, तो सेकेंड इंटीग्रल अपना ये है, तो इसको करता है। तो यहाँ पर अपन को सेकंड इंटीग्रल है 0 to 1 ln of t डिवाइड में यहाँ पर रूट ऑफ टी एंड रूट ऑफ 1 minus t dt है। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए भी अपन सेम ही चीज करेंगे। यहाँ पर टी इक्वल टू अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास 0 to π/2, या ln ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जिसको मैं यहाँ पर ln की प्रॉपर्टी के यूज करके 2 times ln of sin θ लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास dt की जगह 2 sin θ cos θ d θ आ जाएगा। एंड नीचे बेसिकली मेरे पास यहाँ पर sin θ cos θ आ जाएगा, एंड ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 and 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन मेरे पास 0 to π/2 ln of sin θ d θ बन जाएगा। और ये तुम्हें पता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तुम्हें इसकी वैल्यू याद होगी, ये -π/2 ln 2 होता है। सो बेसिकली ये अपना -2π ln 2 आ जाएगा। तो इसको अगर तुम देखोगे तो ये चीज एंड प्लस दिस चीज मिला के अपना जो फाइनल आंसर हो π ln 4 - 2π ln 2 इस तरीके से आ रहा है। सो बेसिकली इस ln 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 times ln 2 भी लिख सकते हो, तो ये भी 2π ln 2 ही बन जाएगा, जो इसके साथ कैंसिल होकर फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।